लखनऊ सुपर जाइंट्स के मयंक यादव जो अपना पहला ही मैच खेले 2024 के सीज़न में, और उन्होंने 155 की रफ्तार पार की पहले ही मैच में। 4 ओवर में 3 विकेट ले डाले। शिखर धवन उनकी गेंदों को बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन जो उनका करियर है वो आईपीएल का 2022 में ही शुरू हो गया था। साल 2022 में सबसे पहले वो दिल्ली की टीम के लिए खेले, और दिल्ली की टीम के लिए वो खेले नहीं थे, उससे पहले ही वो गौतम गंभीर की नज़र में थे, और गौतम गंभीर ने 2022 में ही उनको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया था लखनऊ की टीम से। लेकिन वो उस सीज़न में चोटिल हो गए थे और वो एक भी मैच नहीं खेल पाए। उसके बाद जब वो फिट हुए, उनको डोमेस्टिक सर्किट में फास्ट ट्रैक किया बीसीसीआई ने, और डायरेक्ट देवधर ट्रॉफी खिला दी, जहां पर उनकी एक पहले ही मैच में तेज तर्रार गेंद ने राहुल त्रिपाठी का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया था, जिसके बाद वो सबकी नज़रों में आ गए। साल 2024 के आईपीएल में उनको मौका मिला सिर्फ 20 लाख रुपए सैलरी, और उनका काम ऐसा मिचेल स्टार्क से भी बढ़िया। मिचेल स्टार्क 2 मैचों में 8 ओवर में 100 रन दे चुके हैं, लेकिन पहले ही मैच में 3 विकेट ले लिए मयंक यादव ने। वैसे तो वो सिर्फ 21 साल के हैं, लेकिन वो इससे पहले एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेले, वो दिल्ली के अंडर 19 टीम में भी नहीं खेले थे क्योंकि उनकी जगह नहीं बनी थी, लेकिन दिल्ली की सीनियर टीम में खेले, और सीनियर टीम में भी उनके पास कोई खास अनुभव नहीं है। उनके पास 11 T20 मैचों का अनुभव है डोमेस्टिक लेवल पे, और 17 वनडे मैचों का, और 1 रणजी ट्रॉफी मैच उन्होंने खेला है। लेकिन उनमें प्रतिभा थी, और गौतम गंभीर ये बात जानते थे, इसीलिए गौतम गंभीर ने साल 2022 में ही उनकी आईपीएल में एंट्री करवा दी थी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।